तो वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल फलू द गेमर। और हम आगे माइनक्राफ्ट के एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम ज्वाइन कर चुके हैं माइनपुर सीजन 5। हाँ, फाइनली हम खेल रहे हैं माइनपुर में। ये है स्पॉनिंग पॉइंट, जैसे कि तुम लोग देखा होगा। अगर माइनपुर का फर्स्ट सीजन 5 का वीडियो अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुआ। मैं थोड़ा लेट से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ क्योंकि और ये जगह हमारा स्पॉनिंग पॉइंट है, तो यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। सॉरी, हम तोड़ नहीं सकते थे ना, शायद तोड़ सकते हैं। ओके हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें इसे कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे पेड़ लगा के गया है भाई, देखो पेड़ तोड़ रहा है, तो यहाँ पेड़ का लगा भी दिया। और इसमें बहुत सारे नियम भी है, जैसे कि नियम है कि हमें इसमें इंचांटिंग टेबल नहीं बना सकते, हम विलेजर को भी ट्रेड नहीं कर सकते अभी। पता नहीं धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे पता नहीं क्या होगा, आगे हम लोग करते जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग स्पॉनिंग पॉइंट से चलते हैं बेस लोकेशन, और बेस लोकेशन जाने के लिए सबसे पहले रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ेगा, और सारा बंदे वहीं पर होंगे। और जैसे कि दो बंदे अभी खेल रहे हैं, जैसे नाम तुमको दिख रहा होगा, तो हम फटाफट थोड़ा सा रिसोर्स इकट्ठा कर लेते हैं, ना बना के चलते हैं उधर। हाँ, इसमें और एक ऑप्शन है, जैसे ये देख सकते हो, ये हमारा पैसा का है। ओके, धीरे धीरे हमें यहाँ पैसा का होना पड़ता है। यहाँ पर डायमंड से भी ज्यादा, अगर हम किसी से ट्रेड करना है तो हमें डायमंड, सिल्वर, गोल्ड ऐसा कुछ है, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस गोल्ड का हम लोग फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है। ये साइड हमें सीधा चलते जाना है, ना पकड़ते हैं और सीधा चलते जाते हैं। ओके, फाइनली हम शायद आइलैंड पे आ चुके हैं, जो कि सब कोई घर यहीं पे बना रहा है। फटाफट अपना नाव को साइड में लगाते हैं और चलते हैं, देखते हैं हमें यहाँ कौन मिलता है। फिलहाल तो अभी ऑनलाइन शिप्स आई गेस इससे मिल पाएंगे हम लोग, चलो देखते हैं। ओके, तो हम लोग ने अजीब सा रास्ता बनाया, बट ठीक है, फाइनली हम लोग एक आइलैंड पे पहुँच चुके हैं। तो ओके, चल देखते हैं यहाँ पे कौन है, कहाँ पे है। ओके, मोशन हंटर का मुझे पहला एंचेंटमेंट गया है। तो साथ ही साथ हम लोग फटाफट अपना हम लोग पूल भी अपग्रेड कर लेते हैं, मैंने वुडन से स्टोन की ओर फटाख से बढ़ लेते हैं और एक सॉइल बनाओ। तो ओके, तो मैंने सारा चीज़ अपना अपग्रेड कर लिया स्टोन का, लेट्स गो। ओके, तो हमें भेड़ मिल चुका, भेड़ को मार के हम लोग वूल ले लेते हैं, क्योंकि का तो पता नहीं रात हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग इसे वूल लेके थोड़ा सा सोर्स ले लेते हैं और खाने का भी सोर्स ले लेते हैं शुरुआती जिंदा रहने के लिए, बाकी हम लोग खेती करेंगे ही, आगे का पता नहीं है। फिलहाल तो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, इस आइलैंड में क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे बंदे यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है, किसी से मिलते हैं तभी हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ये सब मैं यहाँ पर टाटा बाय कर देता हूँ। यहाँ पर आयरन दो दिखा है, तो हम आयरन भी यहाँ से ले लेता हूँ, क्या पता कितने सारे, मात्र एक आयरन है। वाह, हेलो। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये, ओ ये ले। ओके ओके ठीक है, ये जो ये एरिया है ये मेरे अंडर आता है। तेरे पास अभी मैप नहीं होगा मेरे ख्याल से। हां, मैप है मेरे पर, डाउनलोड है। ओके, बट ओपन नहीं है ना, पूरा लोकेशन ओपन नहीं है मेरा। ओके, कोई ना। लग गया, पानी में आग लगा ले, सॉरी आग में पानी बुझा लो। अच्छा, मेरे पास है कुछ तो मैं दे सकता हूं। दो इस घर को बनाने में कूद कूद के सारा खाना खत्म कर रहा। सही है। तो आप लोग दिख रहे हैं मशरूम, इसलिए मैं पूछ रहा है तुझे मशरूम दिख रहे हैं ढेर सारे। फिलहाल दिख तो नहीं रहा है मुझे क्योंकि जाते। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, ये पूरा एरिया एकन का है जिसको भाग तो बहुत तेज रहे हो, बट खाना भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाव से चलते हैं ना, नाव से जा सकते हैं हम लोग, नाव से कम भूख लगेगा। चलो मैं नाव डालता हूँ। कुछ नहीं है इसके पास। ओके, मुझे चेस्ट नहीं दिख रहा है, सॉरी।
मुझे चेस्ट नहीं दिख रहा है भाई, क्यों? तुझे एक भी चेस्ट नहीं दिख रहा है? ना, ऑब्वियस सी बात है, छोटा नहीं होगा। हम मरने वाले हैं। क्यों, बेड चाहिए क्या? एक बंदे सोने से हो जाएगा? बेड है? हाँ। सो जा। वाह वाह। एक मिनट, मैं तो भूल गया, बस मैं बेड बना लेता हूँ ना। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, दो सिप मुझे मिला आते टाइम। मैंने बोला चेस्ट क्यों नहीं दिख रहा, चेस्ट है क्यों नहीं? मेरे को लगा लूट के चला गया होगा भाग के। अच्छा, मेरे चेस्ट दिख ही नहीं रहा है भाई, मेरे साथ लोचा हो गया। अभी कूपन मिल रहा है, जल्दी आ जाओ, फिर कूपन खत्म हो जाएगा। हां, फिर से लालच दे जाते भाई, खतरनाक लालच दे रहा है। टप्पर की शिप आ गई। तेरी शॉप है क्या सीजन? जब पहुंचने वाले हो तो बताना, मैं भी आ जाऊं। ठीक है, हम पहुंचने वाले हैं, सीधा चलो बस। गब्बर के गन्नों के खेत के पास है, जो उसके नाव के बगल में लगा हुआ है। आए तेरी दुकान? ये तो रही। ये दुकान है? हाँ, देख नहीं रहा, लेकिन अभी सामान सब डिस्प्ले में है। मैंने प्राइस बहुत हाई रखा था कि कोई खरीद ले ना। हाँ तो आज गोल्ड का। अरे तो फिर उसके बाद उससे बात मुझसे बात करना, फिर मैं बेचूंगी। अच्छा, मतलब ये हो सकता है, मार्जिन हो सकता है तुम्हारा, इसलिए मैंने हाई प्राइस रखा है, कोई खरीद ना ले। रेस्पिरेशन वो भी 20। अनब्रेक ये 5 गोल्ड भाई, भाई 5 पॉइंट बहुत महंगा है। तो बोल तो रही हूं ना, वो बस देखने का है। डेल 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 बताओ, डेल बताओ। तुम ऑफर करो पहले। 4 सिल्वर कॉइन है। मैं सिल्वर कॉइन में ट्रेड ही नहीं कर रही अभी। ये क्या बात है? तो क्या क्या होगा? डायमंड। अच्छा रुको रुको, एक और चीज ऑफर करने के लिए मेरे पास, ये ट्रैक बस देखना है। आज शॉप में बिकनी है। नहीं नहीं नहीं, कल पूछा होगी, मुहूर्त निकलेगा कल, फिर अभी नारियल टूटा नहीं, नारियल फूटने दो, उसके बाद कुछ होगा। बस देखने के लिए आज चलो तो मार लिए कस्टमर के सामने। थैंक यू डिस्काउंट मिला तुम्हारे साथ। अभी तुम आए तो उसका पैसा दे दो। इधर इधर इधर, इसमें थोड़ा सा सामान है। ओ भाई, अंडरवेट के अंदर। अच्छा, यहां पे क्या 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 बात है? मैप है। तो वही तो बोल रहा था, जो लूट के रखा था वो इसमें रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे दो तीन पन्नीस मिल गया, कॉल मिल गया। सैपलिंग कहां से मिलेगा? बस वोल्ट भी उसके अंदर। और सैपलिंग, स्प्रूस का सैपलिंग, डार्क ग्रे का सब, डार्क और जंगल। तीन में बेचना अलाउड नहीं है। ठीक है, फ्री में नहीं लूंगा, ऐसे बात नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं चाहता, मैं देखना चाहता सीजन क्या डील लेगी। कम ऑन, तो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा मैंने कितने में खरीदी इससे। ओके, डील बताओ। अभी तो उधार में देना पड़ेगा ना। एक गलती तो गलती बेच देना इसको। वाह, ये देखो तुम्हारे पास नहीं आ रही, मैं से कहां से खाना इसको। ठीक है, तो तुम्हें मैं देती हूँ सैपलिंग्स, तुम्हें मैं ना सब सैपलिंग्स देती हूँ, ठीक है? एक एक सिल्वर में। एक सिल्वर में? एक एक सिल्वर में? हाँ। ओके, साइट बना के। अच्छा, अगर डार्क ओक चाहिए रहेगा तो क्या 4 सिल्वर कॉइन देना पड़ेगा? नहीं ना, एक का एक साइट। अरे टोटल बोल दिया ना, ओक सब चीज जंगल वंगल सब मिला के। ओ भाई। हाँ। वो तुम मुझे जब दे सकते हो सब तुम्हारे पास आएंगे, तो वो 5 रुपए देके जाते, तो वो 5 रुपए मुझे दे देना। चलेगा। मस्त लग रहा है मेरे को। क्या? अब अपने बिल की तारीफ कर रहा है? मेरे गिफ्ट कर रहा था। ये जो मैंने बनाया शो। सर्कल में दूसरा था। ओए क्या लेके आ गया? क्या बात है, नाइस। अरे तेरा कॉइन मेरे पास आ गया, ले लो ब्रॉन्ज कॉइन। नीचे मॉस पड़ा है, चाहिए तो ले ले। अरे उसको पता चल जाएगा, इसके अंदर वाला ले सकते हैं।
इसके अंदर वाला तुम्हें पता तो है ना, वैसे दुश्मनी करना अच्छा नहीं है। अरे कुछ नहीं किया मेरे। नहीं ना, तुम उसको क्यों बोल रहे हो, पहले दिन ही दुश्मन बनवा। मस्त लग रहा बैनर पीछे में जो लगा हुआ है, इसका नाम ही बैनर लगता है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है। नहीं नहीं ये बोर्ड है। ओह नाव पे लगा है, कुछ पे लगा है, सिप 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 पे लगा। नहीं नहीं सिप पे लगा, नहीं लगा सकते कछुए पे, कछुए पे नहीं लगा सकता, सिप पे, घोड़े पे लगता है। ओके ठीक है, तो मैं ये लो जंगल सैपलिंग, ये डार्क ओक, ये पता नहीं क्या है, मंगरुक, स्प्रूस, ओक, ये बैम्बू, हो गया ना सब? सारा हो गया। ओके चल बाय बाय बाय। ओके तो मेरे साथ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि जैसे आकाशिया, स्प्रूस, ओक सैपलिंग, बॉम्बू, जंगल, टार्क और नया मैंग्रोव बायोम का भी सैपलिंग हमारे पास आ चुका है, जो कि हमारे पास अभी उधार पे लिया है, मतलब बाद में इसको इसका चुकाना पड़ेगा, तो बाद में जब चुकाएंगे तब पता चल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने इससे सैपलिंग लिया, ओके ना, सीजन से, और सारे ऑनलाइन ऑफलाइन चले गए। तो बेसिकली ये आइलैंड जो दिख रहा है ना, ये आइलैंड, ये हमारा आइलैंड ले रहा हूँ कि ये सीजन का है, और ये गब्बर का है, और ये हमारा फ्रैग भाई का है, और ये हमारा एक्केन भाई का है, और ये अभी खाली है, और ये खाली था, तो मेरे पास ऑप्शन था, ये लेना था, ये लेना था, या लेना, तीनों में से एक ऑप्शन था, तो मैंने ये चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सबके सामने बेहद अच्छा लगता है मुझे। वैसे ये भी सामने ज़्यादा दूर नहीं है, नदी के जस्ट पार है, हल्का सा दूरी पे, और हमारा स्पॉनिंग पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, तो इसी जगह पर अपना बेस बनाते हैं। तो मैं बेस बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि केव एक्सप्लोर करने जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, हमारे पास अभी जो भी है मांग के चला रहे हैं, ओके ना, खाने के लिए मात्र मेरे पास 26 ये है, और एक ये है क्या होता है स्टिक, खाने का जो भी है, और हमारे पास अभी पेड़ लगाए, पेड़ बड़े होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं उधर से जाके पेड़ तोड़ के लेता आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करना है, क्या पता हमें आयरन वगैरह मिल जाए, बट इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे खतरे हैं, तो इसके लिए मुझे पूरा ये कवर अप करना पड़ेगा लाइट से, तो फटाफट मैं जाके पेड़ कट के लेते आता हूँ। ओए देखते देखते हमारा ये पेड़ भी कितना मस्त बड़ा हो गया, तो शुरुआत इसी के पेड़ के साथ करते हैं, और ये पेड़ हम तोड़ना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे हमें एक बार में बहुत सारा मिल जाएगा। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे और एक एक्स बना लेना चाहिए, सॉरी एक्स बना लेना चाहिए, क्या पता एक मिनट फ्रेडन ट्रेलर आई क्या देता, उसी में हम कुछ ले नहीं सकते इसके पास से, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी, ओ भाई 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 भाई, अच्छा अच्छा छोटे छोटे मिनी ब्लॉक भी इससे ले सकते हैं, नाइस। वन सिल्वर कौन के बदले ये सब दे रहा भाई, मेरे पास कहाँ पाएंगे इतना पैसा। ठीक है हमारे पास है नहीं अभी फिलहाल, तो इसको हम लोग जाने देते हैं, बट हमें ये लीड इसका बहुत काम आएगा, तो इसको बिना मारे हम लीड ले लेते हैं, और बिना मारे लीड कैसे लेते हैं आप लोग को पता ही होगा शायद, दिखाता हूँ कैसे लेते हैं, बस ये जो जा रहा है ना इसके यहाँ पे एक नाव लगा दो, ये नाव लगा दो, और इस नाव पे एक को बैठा दो, एक लीड आ गया मेरा, ओके इधर दोनों बैठ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको रहने देते हैं इसी यहाँ पे, ये हमारे घर के पास है तो इसको कोई मारते नहीं है, और हाँ चलो फटाक से हम लोग जो करने थे वो करते हैं। ओके तो ये मेरा पेड़ चॉप करने पे मुझे एक स्टेक और 51 लग, ऑलमोस्ट मेरे दो स्टेक मिल गया है, बट मेरे पास अभी फिलहाल तो खाने का जुगाड़ मैं एक ही तरह से कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे एक फसल लगा दूँ, हाँ एक हो बना के मैं फसल बना सकता हूँ, तो चलो फसल एक बनाते हैं, फसल मतलब एक हो बनाते हैं, क्योंकि मेरे खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा, और मेरा डार्क ओक भी बड़ा हो गया है, और
साथ ही साथ मेरा सारा पेड़ बड़ा हो गया। हाँ सारे पेड़ बड़े होंगे। मैं सब तक सो लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने चाहता हूँ कि फर्स्ट डे मैं मर जाऊँ। फर्स्ट डे एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में ही मर जाऊँ, डे नहीं। ऑलराइट सुबह हो गई है और चलता केव एक्सप्लोर करके आते, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। ये केव काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। मैं इसको पूरा एक्सप्लोर अभी तो कर नहीं पाऊँगा, हाँ थोड़ा बहुत करूँगा क्योंकि मुझे टॉर्च के लिए कोयल चाहिए और कोयल मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कहाँ पे दिख रहा था अभी तो? मेरा नीचे में दिख रहा है। ये बहुत जगह जगह है तो हम यहाँ से कोयल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें लैपिस भी मिल गया। तो लैपिस हमें तोड़ते नहीं है क्योंकि लैपिस हमें जब फॉर्चून का पिकेक्स हमारे पास रहेगा तभी तोड़ सकते हैं, दूसरा हमें अभी नहीं तोड़ना चाहिए। ओके तो मुझे एक माइनक्राफ्ट में एक चेस्ट मिला जिसपे मुझे 11 ओ भाई ओके थोड़ा सा कोल मिल गया, रेडस्टोन मिल गया, आयरन मिल गया, ये सारे ले लेते हैं। पम्पकिन भी मेरे पास हो जाएगा। ओके ये भी उठा लेता हूँ मैं, ये यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कब आऊँगा मैं। ओके माइनिंग करके मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारे लूट आ चुके हैं, जैसे देखते हैं नेम टैग वगैरह आ गया, रेल वेल पटरी पटरी जो भी है। और मेरे को सबसे अच्छी अच्छी बात है मुझे सिल्वर कॉइन 11 मिल चुका है और ब्रॉन्ज मिल गया है तुम्हारा 15। तो बेसिकली देखा जाए तो सिल्वर सबसे पहला होता है। ओके ना तो इस पर हम अपलोड कर सकते हैं क्या? अभी ये वर्क कैसे करता है, यहाँ थैली में रखना कैसे, ये नहीं पता मुझे। बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। और मैंग्रोव बायोम का जो पेड़ है भाई, क्या जॉर्जर्स के लिए है। और मेरा फसल भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे और जंगल भी बड़ा हो गया है, इस पर उसका पेड़ भी बड़ा हो गया, नाइस। तो सबसे पहले अपना चिकन वाले चेस्ट में रख देते हैं कीमती सामान, जैसे कि ये हो गया। और राइट तो मुझे अपना बेस बनाने के लिए मुझे बहुत सारा रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मैं फटाक से रिसोर्स इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। ओके तो गाइस मैंने रिसोर्स इकट्ठा कर लिया है और इसी बीच में मेरे इन्वेंट्री भी देख सकते हो, डायमंड का पिकेक्स है और डायमंड का सॉइल भी है, तो इसे अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कितना सारा ग्राइंड किया होगा। चलो मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये चेस्ट देख सकते हो भाई, भरे पड़े हैं सामान ही सामान, एकदम कीमती कीमती। और ये देख सकते हो मेरे पास मनी कितने सारे हैं, 1 गोल्ड है, 138 सिल्वर है और ब्रॉन्ज भी मेरे पास 607 है। ये सारा मुझे लूट से मिला है। ओके ना, और माइन शॉप होता है, माइन शॉप के अंदर जो लूट होते हैं ना उससे मिला था। और मैंने ये मैप देखो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, इधर मैं इधर ही डायरेक्शन जा सकता हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्शन इधर नहीं जा सकता ना, इधर जा सकता हूँ मैं, इधर ही जा सकता हूँ इसीलिए। तो इधर एक्सप्लोर करने पे मुझे देखो 2 हार्ट सीप मिल गया, ओके ना, और 2-3 डिस्क मिला है और वगैरह बहुत सारा सामान मिला है। और मैंने ये बना के रखा था, मैंने सोचा कि चलो आप लोग के सामने ही पहना जाए, तो फटाफट पहन लेते हैं। और हाँ हम लोग भी अब अपना हो गए हैं आयरन कवर, हम लोग बन चुके हैं आयरन मैन। ओके ना ठीक है। और ये इतना देख सो तो रिसोर्स है मंगरू बाइम और स्प्रूस डार्क जंगल वगैरह वगैरह जो भी। और ये बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे एक मर्ड को एक बीट के साथ मिलाना पड़ता है, जो कि ये रहा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मर्ड है, अब इसके साथ जब तक तो मिलाऊंगा, देख सो एक बीट और एक मर्ड मिलाने के बाद ये ब्लॉक बनता है और ये 4 ब्लॉक जब मिलता है तब जाके ये मर्ड ब्रिक बनता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत था इसलिए मैंने ये इकट्ठा कर लिया। और ऐसा टेंशन नहीं, मतलब ये देखो मेरा जंगल स्प्रूस सब है और ये रहा मेरा फसल जो कि मैंने लगाया था। और साथ ही साथ मैंने बी हाइव भी बहुत सारा लगा दिया, जिससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी मेरा फसल जल्दी ग्रो हो रहा है। और उधर मैंने एक सैपलिंग लगा दिया है, पेड़ वाले जितने भी स्प्रूस वाले थे और ओक वाला भी उधर लगा दिया है। और यहाँ पे जो हमारा केव था, मतलब गड्ढा जो था, उस गड्ढे को मैंने ऊपर से पूरा फिल कर दिया, जैसे कि तो अंदर से आने का मैंने रास्ता यहाँ पे रखा है, जैसे देख सकते हो ऊपर से मैंने पूरा फिल कर दिया है। और नीचे में मैंने अभी इधर एक साइड लाइट नहीं लगाया, ये साइड मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, लगभग ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लोर कर लिया। और इसके दौरान मुझे 3 स्पॉन मिला है, अगर तुम लोग दिखाऊं मैं कैसे दिखाते हैं सॉरी, हाँ देख सकते हो, एक स्केलेटन स्पॉनर मिला है, एक मॉब का मिला हुआ है और केव वाला तो भाई मेसा डिस्प्ले सब मिला ही है, उसे तो मैं बाद में दिखा दूंगा। बट हो सकता है तो अगले एपिसोड में हम लोग स्केलेटन का फार्म बनाएंगे, जहां तक देखते हैं। और हाँ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और अपने व्हील पे ध्यान देते हैं और हम बेस बनाना चालू करते हैं। आप लोग टाइमलेस का मजा लीजिए, मैं मिलता हूँ बिल्ड के अंत में।
उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये वीडियो मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ में कौन सा पार्ट तुमको ज्यादा अच्छा लगा या कौन सा पार्ट खराब लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि मुझे आप लोग को किस तरह वीडियो डेडिकेट करके तुम लोग को देना है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेट्स गो, बाय बाय।